हेलो, गुड इवनिंग गाइस। हेलो, हाँ ओके, स्टार्ट करते यार, एक सेकेंड ना। ठीक यार, सो देखो, लास्ट क्लास में हमने, याद है ना आप लोगों, लास्ट क्लास हमने क्या करा था? हाँ, क्लस्टर करा था, दैट इज थ्योरिटिकली करा था। टुडे वी विल सी द प्रैक्टिकली। बट ना, पहले तो मुझे कुछ लोगों को रिमूव कर लेने दो ग्रुप से ना, बेवजह वो लोग ग्रुप में पड़े हुए ना। सो एक्चुअली है ना, वी डोंट नीड सच पर्सन ना इन ग्रुप। पता नहीं क्यों है ग्रुप में, समझ में आता, ज्वाइन क्यों करते हैं जब मैं क्लास नहीं लेना होता। लेट मी टेक द फोटो ना, अटेंडेंस ही मिल जाता है। पता है, जैसे ना किसी चीज़ को ना एकदम फ्री में कर दो या बहुत सस्ता कर दो ना, तो उसकी, देखो मैंने एमएल बैच एकदम इतना सस्ता कर दिया था, और तो उसका ना नुकसान क्या होता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं और फिर क्लास वास नहीं करते, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए ना मैं जनरली करता नहीं हूँ, बट अब बच्चे लगते हैं करते हैं, फिर मैं कर देता हूँ, बाद में मुझे बहुत गुस्सा आती है। अब देखो, ये इसमें 33 के आसपास लोग हैं और देखो कितने कम लोग ज्वाइन हुए हैं ना। सो ज्वाइंड आई थिंक ओनली कुछ 32 31 लोग ज्वाइन हुए हैं ना। हाँ, तो अब इसलिए ना बहुत गुस्सा आता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो देखो, हमने जो लास्ट क्लास में करा था, दैट इज थ्योरिटिकली, ठीक है। थ्योरिटिकली हमने क्लस्टरिंग देखी थी। क्लस्टरिंग की एक्चुअली मैंने तुम्हें फिर से बता देता हूँ, एक्चुअली क्लस्टरिंग के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, ठीक है। क्लस्टरिंग के बहुत सारे टेक्निक होते हैं। सो क्लस्टरिंग में ये एक टेक्निक है, इट्स कॉल्ड हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग का हमने कल लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल देखा था कि कैसे इसको बनाते हैं। हमने एक डेटा सेट लिया था और मैथमेटिकली उसको बनाया था, क्लस्टर को, याद है ना सबको। टुडे वी विल सी कि कैसे हम करेंगे एक्चुअली इन रियल केस, वो हम आज देखेंगे, और एक आप लोग को दूंगा करने के लिए भी, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, अभी और भी टेक्निक्स है, वी विल सी दैट, है ना। एक्चुअली ना, अगर तुमसे बात करूँ ना, तुम अगर इंटरव्यू में तुमसे कोई पूछ सकता है, हायरार्किकल के भी ना दो टेक्निक होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक को बोलते हैं ना, लाइक देखो, एक को बोलते हैं कि जैसे हमने जो देखा, ठीक है, ये एक होता है कि भाई हमने एक एक को पहले एक एक क्लस्टर बनाए, हमने पहले माना कि हर डेटा एक क्लस्टर है, तो इसलिए सबका सबसे साथ डिस्टेंस निकाला था, याद है, पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स निकाला, फिर दो क्लस्टर्स को एक में ब्रेक किया, फिर तीन क्लस्टर को ऐसे करके हम ब्रेक करते चले गए, एक में डालते चले गए। ये एक तकनीक है। दूसरा तकनीक क्या कहता है कि दूसरा टेक्निक क्या कहता है कि पहले ही मान लो ना कि सारा डेटा एक ही क्लस्टर में है, फिर उसको ब्रेक करो। प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ाता भी नहीं हूँ। प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली तो केवल ये वाला मीनिंगफुल है। दैट्स व्हाई हम जो है वही देख रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी ओपन द पाइथन फाइल।
देखो ये फाइल ओपन हो रही है, तो जो लास्ट क्लास में हमने करा थ्योरेटिकली उसी को अभी देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है, रियल केस में। तो आई वॉन्ट टू लाइक लेट यू नो कि कैसे एक्चुअल में हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। और देखो एकदम ऐसे ही होता है बिल्डिंग, इवन इन द इंडस्ट्री में ना एकदम सेम ऐसे ही होता है, कोई इसमें बहुत चेंजेस होता नहीं है, ठीक है। इवन आई वॉज यूजिंग सेम, एकदम सेम प्रोसेस। सो सी देखो एक्चुअल में देखेंगे, देख तो ये डेंडोग्राम है जो कल हमने, अच्छा देखो जो मैं बोल रहा था ना अभी अभी आप लोगों की जो ये टेक्निक है, तो दो टेक्निक जो बताए, जो हम टेक्निक करते हैं इसी को बोलते हैं एग्लोमेट्रिक टेक्निक, ठीक है, और दूसरे को डिविजिबल बोलते हैं, जो वो पहले बड़ा फिर छोटा ऐसे कुछ बोलते हैं, डिविजिबल या डिविसिव बोलते हैं एक्चुअली, और ये तुम्हारा है एग्लोमेट्रिक, ठीक है। जनरली वी ओनली यूज एग्लोमेट्रिक। कल याद है लास्ट क्लास में हमने थ्योरेटिकली ये वाला पैटर्न कुछ ऐसा फिगर बनाया था, मैथमेटिकली बनाया था, याद है आप लोगों को। अब यहाँ डेटा बड़ा हो गया ना, रियल डेटा हो गया तो बड़ा बनेगा ना, वहाँ पे तो हमने 5 पॉइंट लेके मैंने कैलकुलेटर के दिखाया था, तो इसलिए वहाँ पे छोटा कुछ भी दिख रहा था, बट यहाँ पे एक्चुअली बड़ा हो गया क्योंकि रियल केस में बन रहा है, ठीक है। और लास्ट क्लास में क्या हुआ, एक्चुअली मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, मैं खुद ही बना रहा था ना, आई जस्ट टेक द डेटा, हमने 5 डेटा लिया अगर आप लोगों को याद हो रहा होगा, तो हमने एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाई मैथमेटिकली खुद से कैलकुलेट करके। इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास 5 या 6 पॉइंट था, मेरे ख्याल 6 पॉइंट था, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। फिर मैंने इन पॉइंट्स को क्या किया था, बोला डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस वाला पाया, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है P3 से P6 कनेक्ट हो रहा था, मेरे को याद जहाँ तक आ रहा है, तो हमने P3, P6 को एक में कर लिया था, फिर आई थिंक P2, P4 हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, इसको एक में किया था, फिर ये दोनों एक में आई थिंक हो गया था, फिर इसका ऐसे बढ़ा था, फिर इसका ऐसे बढ़ गया था, याद है आप लोगों को, ऐसा कुछ बना था, चलो डेंडोग्राम है ना। सो देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा ये, अभी वो नहीं बात कर रहा, मैंने डायरेक्टली आपको दिखाया कि एक्चुअली में ये बना था कुछ, क्लियर है ना। तो ये डेंडोग्राम होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये सारे तुम्हारा डेटा सेट हो गए मिक्स करके ये बना हुआ क्लस्टर है ना। अब ये देखो, जब मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, एक चीज मैं तुम लोगों को बताया नहीं था, मैं एक्चुअली वो हम लोग डिस्कस किए थे, किसी ने पूछा भी था, बट मैं बता कि लास्ट अगले बता दूंगा। देखो एक चीज़ थोड़ी सी बात रह गई थी, थोड़ा मुझे ना डिले, मुझे कल नहीं जाना था, नहीं जाना नहीं था मुझे, कुछ शायद याद नहीं आ रहा, कुछ था मैं फिर वो बताना नहीं भूल गया था, एक मिनट दे दो बस। ये ऐसे मान लो हो गया, और सपोज ये 2 पॉइंट हो गया लाइक मे बी P1 और P2, उसके बाद एक मान लो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मे बी कोई भी पॉइंट हो गया, मे बी दैट इज P3 और P4, और फिर हमने इस दोनों को कनेक्ट कर लिया ऐसे करके, ठीक है, और फिर इसके बाद एक इधर से कनेक्टेड हो गया, मे बी दैट इज P5, आंसर फॉर दिस इज P6। अब देखो सबसे बड़ी बात है इसमें कि हाउ डू यू नो कि कितने क्लस्टर बनेंगे, मैंने बोला था दैट इज लेबल थ्रेशोल्ड, वो डिसाइड कर सकते हैं। सपोज यू मेकिंग थ्रेशोल्ड ओवर हियर, सी सपोज यू मेक अ थ्रेशोल्ड हियर, देखो कितने क्लस्टर बनेंगे, अगर यहाँ से करेंगे तो एक क्लस्टर तो ये बनेगा, दूसरा क्लस्टर ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा बनेगा, टोटली डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू, कहाँ पे आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो उसके हिसाब से क्लस्टर बनेंगे, वी विल सी टुडे कैसे बनेगा, ठीक है। तो लेट्स गो वन बाय वन, पहले डेटा पे चलते हैं। सो वहां पे तो एक नॉर्मल डेटा मैंने क्रिएट किया था, बट नाउ लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल डेटा, ये डेटा है, ठीक है। सो लेट मी शो यू दिस डेटा फर्स्ट, सो ऑल ऑफ यू गुड विथ पाइथन और पांडास तभी आप समझ पाएंगे ना, ML है तो पाइथन और पांडास आपको आना चाहिए। हाँ हो गया, लेट्स रीड सी द डेटा। देखो यहाँ पर ये डेटा है आपके पास, सो बेसिकली दिस इज द डेटा, लाइक देखो यहाँ पे कुछ डेटा है, लाइक यहाँ पे एल्कोहल, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। सो बेसिकली हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, सो आई वॉन्ट टू टेक अ क्लस्टर, इसमें क्लस्टर बना चाहता हूँ एक तरह के डेटा, मतलब आई नीड सम सिमिलैरिटी। इफ यू चेक द डेटा सेफ हियर, लेट मी शो यू द सेफ हियर, डेटा डॉट सेव, सी टोटल 178 डेटा है, बट आई वॉन्ट टू चेक लाइक कि इज देयर लाइक कि दो सिमिलर कैटेगरी क्या क्या है इसके अंदर, बिकॉज देखो एक डेटा आया दूसरा, बट वी विल सी इट कि कैसे देखते हैं। चलो तो दो सिमिलर कैटेगरी इसके अंदर मुझे निकालना है कि मतलब जैसे अब कहने का सेंस समझ लो, कोई लोग नहीं समझ पा रहे हो बात, तो देखो कहने का मतलब ये कि पूरा डेटा हो गया मेरे पास,
वी हैव दिस डेटा, इसमें बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे रो है, एनीवे बहुत सारे कॉलम्स है इसके अंदर, बहुत सारे रो है. बट आई वॉन्ट टू सी, मैं इसके अंदर से दो तरह के डेटा निकालना चाह रहा हूँ, एक डेटा और दूसरा डेटा. अब देखो कॉलम तो सेम होंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विथ कॉलम, विल गो विथ रो. लाइक 178 है तो मे बी 100 कहीं निकल जाए और 78 निकल जाए, अब वो डिपेंड करेगा कितना निकलेगा. बट आई वॉन्ट टू चेक कि क्या इसके अंदर दो तरह के पैटर्न अवेलेबल है डेटा के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ. ओके सो लेट्स ट्राई टू डू दिस. सो दिस इज द डेटा. ओके नाउ सी, या दिस इज द डेटा, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो अहेड. या इसका कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको. सी सो देखो ये है तुम्हारा जो जो उसका लाइब्रेरी है जो हम बात करते हैं एग्लोमेट्रिक क्लस्टरिंग का, जो हमने लास्ट टाइम पर थ्योरेटिकल देखा था हाउ वी कैन डू दोज थिंग. सी देखो एक एक चीज़ में जो बताया था सब चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्म करा. देखो पहले तो इसको तुम सीधे कॉल कर सकते हो फ्रॉम sklearn.class import दिस. सो आप इसको इम्पोर्ट करोगे. इम्पोर्ट करने के बाद देखो राइट नाउ आई एम गिविंग हाउ मच क्लस्टर वी नीड. ओके बट मैंने लास्ट क्लास में बोला था आप लोगों से कि दैट टोटली डिपेंड्स कि मुझे कितने क्लस्टर चाहिए. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस प्रॉब्लम. कई बार मुझे कई चाहिए वो दैट टोटली डिपेंड्स कि क्या बिहेवियर है बिजनेस का. मैं ऐसे फिलहाल नहीं बैठे कर सकते बट राइट नाउ आई गोइंग फॉर टू. अब मैं ये देखो अभी तुम्हें बता रहा हूँ टू, लेकिन अगले बार मैं ना अभी जस्ट इसको रन करूंगा दोबारा सेम, और इसको ना मतलब टू को मैं बाय डिफॉल्ट नहीं करूंगा, हटाऊंगा इसको. कहने का मतलब सिर्फ ये है ना कि अगर तुम इसके केवल sklearn को कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा काम. ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं वो ना सीधे इसी को मतलब ना सॉरी बस सीधे ना इसी को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं. अगर तुम ये करना शुरू करोगे तो कभी भी ना तुम इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाओगे. क्यों? क्योंकि वहां पे किसी को इस पास थोड़ा मतलब तुम्हें वो केवल लाइब्रेरी कॉल करने आना चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर जाना चाहिए. और वो कैसे पता होगा? जब थ्योरेटिकली तुम्हें चाहिए पता होगी. थ्योरेटिकल मैंने लास्ट क्लास में कवर कराया था. देखो यहाँ पर एक चीज लिखा है, यहाँ पर देखो एन क्लस्टर जो हमें इसके अंदर दो मैंने दिया. देखो यहाँ पर लिखा है तो द नंबर ऑफ क्लस्टर टू फाइंड इट मस्ट बी नन इफ डिस्टेंस थ्रेशोल्ड इज नॉट नन. डिस्टेंस थ्रेशोल्ड क्या है ये मैंने कल आप लोगों को बताया था. अगर आपको याद हो तो सी दिस, कम टू द ग्राफ अगेन जो हमने बनाया था थ्योरेटिकली. ये देखो इफ यू डोंट नो द डिस्टेंस मैट्रिक्स, सी दिस इज द ग्राफ. ओके दिस इज द रियल ग्राफ ऑफ योर डेटा. अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स कर दूँ 500, इसका मतलब 500 पर थ्रेशोल्ड बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली इट विल मेक थ्रू थ्रेशोल्ड. ओके सो जब मैं थ्रेशोल्ड डिसाइड करूंगा तो मैं क्लस्टर नहीं दे सकता, क्योंकि नाउ आई एम गिविंग थ्रेशोल्ड कि भाई इतने से ऊपर लेवल मारो 400 पे. अब 400 पे तो नहीं, अगर मैं 300 पे लेवल मार दूं देखो तीन क्लस्टर मिलेगा. एक तो ये क्लस्टर मिलेगा पूरा, दूसरा ये वाला क्लस्टर मिल जाएगा, और तीसरा ये क्लस्टर मरेगा. आर गेट माई पॉइंट? सो इफ यू आर गिविंग द थ्रेशोल्ड डिस्टेंस थ्रेशोल्ड फॉर योर डिस्टेंस मैट्रिक्स दैट टाइम यू कांट गिव द नंबर ऑफ क्लस्टर. ठीक है, बट राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ फ्लो तो हम जस्ट गिविंग टू क्लस्टर एनी वे टू हम चेक करना चाह रहे हैं. हमने दो क्लस्टर दिया यहाँ पर प्रोसीजर. सो मैंने दो क्लस्टर दिया. डिस्टेंस मैंने किससे निकाला? इक्विलेंट डिस्टेंस हो गया, लीक के एवरेज हो गया. एक्चुअली मैंने जो तुमको बताया था तो मैंने मिनिमम बताया था, इफ यू रिमेंबर. यहाँ पर एवरेज है. जस्ट सी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, जब मैं थ्योरेटिकली आप लोगों को वो कराया था कैलकुलेशन तो मैंने मिनिमम लिखे जो सिंगल से करा. एक तो देखो सिंगल होता है, सिंगल का मतलब वही मिनिमम, सिंगल मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब याद है जब मैंने कहा था कि C2 और C4 को एक में हमने क्लस्टर में कर दिया था. जब हम C1 से डिस्टेंस निकाल लेते इसका तो हम इससे भी निकाले और इससे भी निकाले, जो मिनिमम आया उसी को हम आगे अपने मैट्रिक्स में पुट कर रहे थे. याद है किसी को? सही है सुनो. लेकिन अब मैंने यहां पर एवरेज लिया. एवरेज मतलब इस दोनों का एवरेज ले लेंगे. ठीक है, डन है बात. बस इतना सा अंतर है लिंकेज का. लिंकेज का हमने मिनिमम लिया था तो हम क्या कर रहे थे उसमें जो मिनिमम आया उसको पुट कर रहे थे डिस्टेंस मैट्रिक्स में. अभी एवरेज है तो वी हैव टू टेक द एवरेज एंड पुट इट ओवर देयर. सही यस नो? किसी को दिक्कत परेशानी बता सकते हो? हाँ ठीक है ना. तो मतलब ये चीज थोड़ा सा वो हो गई, मतलब किसी को अगर कहीं भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क. ठीक है, ठीक है, डन. सो बट हम मिनिमम ना लेकर के यहाँ पर एवरेज ले रहे हैं. मिनिमम हमने ऑलरेडी कर रखा था. ओके सो लेट्स गो हियर. ठीक है, हाँ ठीक बात है. सो मैं इसको रन कर देता हूँ. ठीक है, अब देखो मैं इस डेटा को फिट करता हूँ जो डेटा मैंने दिया है, मतलब इसको ट्रेन करता हूँ. ठीक है, ट्रेन किया,
लेबल्स चेक करो। देखो ट्रेन मतलब फीट का मतलब क्या हुआ, ऑल द डिस्टेंस वी लाइक यहाँ पे कैलकुलेट होगा, जो मैं आप लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट कराया था सारी मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ से हो जाएगी, देयर इज नो नीड टू राइट ऑल द कोड्स कि कैसे होगा, वो एल्गो आपको लिखने जरूरत नहीं, ऑलरेडी एल्गो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। आप बस आपको फिक्स करने पैरामीटर एंड यू कैन फिट इट और ऑटोमेटिकली सारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर देगा, इफ यू वॉन्ट यू कैन डू दैट ऑलरेडी, इफ यू नो पाइथन इट्स वेरी सिंपल टू राइट द कोड। सी नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड द लेबल्स हियर, सी इट्स गिविंग टू लेबल्स, वाई टू लेबल्स, बिकॉज वी आर गिविंग टू क्लस्टर, तो इसने डेटा को लेबल्स किया टू, टू लेबल्स क्यों, क्योंकि कुछ को जीरो लेबल दिया, किसी को वन लेबल दिया, इसका मतलब हमने खुद ही पहले ही दो क्लस्टर बनाए थे, हमने कहा था दो क्लस्टर बनाओ, तो इसने डेटा पे दो क्लस्टर बना दिया। अभी अब मैं क्या करता हूँ, इस लेबल को डेटा में डालता हूँ, इस जो ये लिस्ट देखो ये एरे है, एक्चुअली एरे है, तो मैं इसको ऐसे पुट करूँगा सीधे पांडाज में आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर पांडाज में आ गया, अब यहाँ पर देखते हैं एक बार, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा आ गया, यहाँ पे देखो ये आया लेबल्स एक बन गया, एक जीरो बना और एक वन बना है, ठीक है। किसको किसको ग्रुप बाय याद है पांडास में, है ना, डिस्कस इन डिटेल ग्रुप बाय इन पांडास, याद है किसी को ग्रुप बाय कैसे लिखते हैं, कोई जना जिसको याद है ग्रुप बाय कैसे लिखते हैं पांडास में, मैंने ना बताया था अगर याद होगा तो, याद है पायोट लिखना और ग्रुप बाय लिखना, याद है ना, हाँ तुम्हें तो याद होगा, तुम तो आजकल यही सब कर रहे हो ना, अप्लाई करते हो ये सब चीजें वहां पे, हाँ मतलब तुम यूज कर रहे हो ना वहां पे आजकल ग्रुप भाई, चलो तो अब बताओ तुम ही फटाफट, मुझे याद नहीं है, ठीक है तुम तो धड़ाधड़ बताना, ठीक है मैंने पढ़ाया होगा ना। अब देखो ये चले जाओ कहां पे गया, ये मैं ग्रुप पे लगाना चाहता हूँ किस पे, यहाँ पे लेबल्स पे, ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अरे यार तुमने मुझे मैसेज, पता है क्या हुआ है मेरे में ना एक दिक्कत हो गई है मेरे फ़ोन में, अब किसी को आइडिया हो तो बताना यार, मेरे फ़ोन में क्या हुआ है कि ना मेरे फ़ोन में नंबर्स हैं बट नाम सारे उड़ गए हैं, ठीक है अब ऐसा क्यों हुआ है मुझे पता नहीं है। इवन व्हाट्सएप पे ना जैसे कोई मैसेज, जैसे एक दिन पहले अभी तुषित का मैसेज आया, तो फिर मैं ऊपर जाकर नाम देखता हूँ फिर सेव करता हूँ डेटाबेस में, मतलब मेरे पास ना केवल नंबर्स है नाम सारे उड़ गए हैं, और किसी को इस तरह का पहले का भी एक्सपीरियंस हो तो बताना यार इसमें क्या करना होगा, करके देखा यार रिस्टार्ट करके देखा, रिस्टार्ट करके मैंने देखा मेल आईडी सेव करी थी यार, मेल आईडी तो सेव करी थी, अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और विवेक क्या हाल है, देखो तू आई थिंक ये सबसे मेरा ओल्डेस्ट स्टूडेंट है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना तो सबसे पहले मेरे से पढ़ने वाले बच्चों में ये एक था, मतलब मैं बता रहा हूँ 1.5-2 साल पहले जब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें क्या है ये स्टूडेंट, मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ कि अभी मेरे से कनेक्टेड है, मतलब पहला बैच जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये था आई थिंक, है ना, ठीक है यार। सो देखो यहाँ पे हमने ये करा, डेटा लेबल्स करा, मॉडल लेबल्स आ गया, ठीक है। सो एनीवन जस्ट लेट मी नो हाउ टू राइट अ क्वेरी, डेटा डॉट ग्रुप बाय होता है ना यार, बोलो यार कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, डेटा डॉट ग्रुप बाय है ना, और हाँ मैं लेबल्स का बनाना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे लेबल है ना इस पर मैं ग्रुप बाय बनाऊंगा, तो मैं इस पर डालता हूँ ग्रुप बाय, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वो करना, क्या बोलते हैं एक एक दो कॉलम को देखना,
जैसे मैं चाहता हूँ ना, एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो ये क्लस्टरिंग हुई है ना वो किस तरह से हुई है, तो मैं ये थोड़ा सा ग्रुप पे लगा देखा। चलो एल्कोहल पे लगाते हैं, एल्कोहल को देखते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल का मैं एवरेज देखना चाहता हूँ, बताओ क्या करूँ मैं, बोलो। ग्रुप बाय लगाया लेबल पे और एल्कोहल का मुझे एवरेज देखना है, क्या करूँ, डॉट एग्रीगेशन, बोलो यार। इसका मुझे एवरेज देखना है, छोड़ो इतना देर में तो मैं खुद ही निकाल लूंगा कमांड। मैं मतलब काफी समय हो गया लगाया, बस मुझे याद नहीं आ रहा है, कमांड देखते हैं मुझे याद आ जाएगा। भाई नहीं है, एनालिसिस वाला काम किया ना बहुत लंबा समय हो गया तो ये सब भूल गया हूँ मैं, बट अभी बस निकालूंगा तो याद आ जाएगा। क्या यार अच्छा तुम, हाँ याद है, अच्छा तुम तब से जानते हो है? बात करते हैं आज तुमसे यार, 1 मिनट ना, 1 सेकेंड। हाँ ये देखो ये ना, बट ये किसी को, चलो ये तो मैं सही जा रहा था, बट अभी यार जिसका खत्म हुआ है पाइथन अभी उनको भी याद नहीं है, ये बड़ा गलत बात है। सही जा रहा था मैं, डेटा डॉट ग्रुप पे ठीक ही लगा रहा था मैं, लेबल्स है ये, यहाँ पे लगा दो लेबल्स, एकदम सही जा रहा था मैं। ये हो गया लेबल्स, ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन, और मैं एल्कोहल पे देखना चाह रहा था, और मैं सिर्फ, चलो सब देखते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको रन करते हैं। देखो भाई दो क्लस्टर बनाया, देखो इधर पहले वाले क्लस्टर का एवरेज एल्कोहल ये है, दूसरे वाले का ये है, तो सब कुछ आ गया डेटा एक्चुअली। सो कहने का सेंस ये है कि देखो क्लस्टर जो बनाया वो रियल में मीनिंगफुल क्लस्टर है। देखो एक क्लस्टर का एवरेज कुछ और है, दूसरे क्लस्टर का एवरेज कुछ और। इवन इफ यू वांट टू सी, एक दो और कोई इंपॉर्टेंट डेटा से निकालते हैं इसमें से, जैसे हमने एल्कोहल देखा, कुछ और देखते हैं, एनिसियम देखते हैं। सो इसको भी रन कर दो, मैग्नीशियम को भी, और रन करो इसको, देखो यहाँ पे। सो इसके कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहे, कुनो वरी, ठीक है। अच्छा ये एक्चुअली गलत जगह पे लगा दिया मैंने ना, लेबल्स तो पड़ा हुआ था वहाँ पे, इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये गलत किया, मुझे यहाँ लगाना चाहिए था। एक साथ में लेगा नहीं लेगा, फिर से देना पड़ेगा ना, यहाँ पे रुक जाओ, ये करो यहाँ पे कॉमा, ठीक है, ये दो मैग्नीशियम, और यहाँ पे लगाओ डॉट, और ये सब, सॉरी ये सब कॉपी करके दे दो तो आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे तो ये हो गया एक अल्कोहल और ये हो गया मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम के भी दोनों क्लस्टर में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे देखो दिस वैल्यूज आर नॉट सेम ऑलमोस्ट। सो एनीवे वी आर एबल टू गेट द बोथ क्लस्टर, और दोनों क्लस्टर के कुछ अलग फीचर्स है, अलग वाले क्लस्टर के अलग फीचर है, ठीक है, और होना भी चाहिए बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, डेफिनेटली वी विल गेट सम अदर वैल्यूज, ओके। सो सी कहने का सेंस ये है, वी आर एबल टू गेट सम सिमिलैरिटी हियर, ओके। इवन इफ यू सी हियर, देखो यहाँ पे, तो फिर इसी का मैंने डेंडोग्राफ बनाया। देखो ये प्लॉट है सिर्फ, जस्ट रन इट एंड यू विल फाइंड दिस डेंडोग्राफ। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमने दो क्लस्टर बनाया, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ब्रेक किया। अगर मैं अगला वाला तुम्हें ट्रेनिंग दिखाऊं, जब नेक्स्ट टाइम मैंने करा, मैंने डिस्टेंस, देखो एन क्लस्टरिंग रन कर दिया, मैं नंबर ऑफ क्लस्टर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ और डिस्टेंस थ्रेशोल्ड 300 करा। अगर डिस्टेंस थ्रेशोल्ड 300 करा, इसका मतलब यहाँ पे करा, इसका मतलब तीन क्लस्टर मिलना चाहिए मुझे। इफ यू सी दिस,
नाउ वी विल गेट थ्री क्लस्टर. सो कहने का सेंस ये है कि दैट टोटली डिपेंड्स कि हाउ मच यू क्लस्टर वॉन्ट यू आर एबल टू फाइंड दिस, है ना. नाउ यू कैन आस्क वन वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, हाउ कैन वी नो हाउ मच क्लस्टर वी नीड. That is totally a separate question. We will see that कि कैसे हम decide करें कि इसमें कितने cluster बनेंगे. That is a totally separate question. We will see that. But sometimes maybe वो method से नहीं, हमें requirement से भी होता है. Let me give you one example. ठीक है, एक मैं तुम्हें real example देता हूँ. हमें cluster खुद ही बनाने होते हैं. ठीक है, कि हमको 6 cluster बनाने हैं, 10 cluster बनाने हैं. Sometimes we go into data and find कि okay इतने pattern बच सकते हैं इसके अंदर, and we try to find all those pattern. सर यस नो, किसी को दिक्कत है बताओ, यहां तक किसी को परेशानी? एनीवन? सभी लोग कर पाने में, मतलब ये बना पाएंगे सभी लोग? अब देखो एक्चुअली में क्या है ना कि मजा तब आया जब तुम खुद ही बनाकर ट्राई करो. ठीक है, थ्योरेटिकली कराया, अभी हमने देखा कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं इसको. लेट मी शेयर वन वेरी गुड डेटा. मैं तुम्हें एक डेटा बढ़िया से, ये डेटा नहीं दूंगा बिकॉज ये डेटा से आप लोग ऑलरेडी वो हो गए. लेट मी शेयर वन डेटा, मैं एक डेटा देता हूँ आपको. प्लीज टाइम रिकॉर्डिंग देखते होते हुए क्यों रिकॉर्डिंग रिज्यूम कराते हो? देखो यहाँ पे तो ये हो गया आपका. ठीक है, ये डेटा आ गया. ठीक है, इस पर अब आप लोगों को करना है. ठीक है, नाउ यू कैन अप्लाई ऑन दिस डेटा. एक बात बताओ यार, कल ना फाइनल मैच IPL का, एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, बात ही तो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बताओ कि क्या मैं कह रहा था. हाँ, करा किसी ने अप्लाई करा ये वाला इस पर? अरे कुछ करना नहीं है भाई, बस जाओ ना यार. बट डेटा ले, तुम्हें कुछ नहीं करना, डेटा तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा है. तुम पहले तुम्हें जाना पड़ेगा किसके साथ, फ्लो के साथ देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर डिस्टेंस बन रही है. बिना डिस्टेंस बना तुम डिस्टेंस मैट्रिक्स लगा ही नहीं सकते ना, डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा ना. तो ये सब कॉपी कर लो एक बार में. ठीक है, ये भी कॉपी कर लो, और यहाँ से कॉपी करा, और इसको मैंने करा कंट्रोल एक्स, यहाँ में लाया और डेटा मैंने बदल दिया है. देखो डेटा मेरा अभी ये हो चुका है. मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, रन होने दो, मुझे इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा इंटरेस्ट इसको बनाने में है. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ और इस सबको एक में करता हूँ. यहाँ इसको पेस्ट किया, फिर इसको पेस्ट किया, है ना, और फिर इसको पेस्ट किया. सी को बढ़ा दो, मेरा पीछे सी में भी नहीं है. ठीक है, और मैं नीचे आता हूँ. ये मेरे पॉइंट्स हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है. मेरा जो कुछ गड़बड़ हो गया, क्या बोला, लीकेज इज नॉट डिफाइंड. ओह सॉरी, एक बार जरा इसको लाइब्रेरीज को रन कर दो. एक्चुअली तुम फाइल खोला तो इसको रन ही नहीं किया. तुम बोल रहा हो नॉट डिफाइंड, इसको रन करो. क्या रहा है, डेटा वन कहाँ पे है? यहाँ रखो डेटा, नॉट डेटा वन. ठीक है, यहाँ भी करो डेटा. समझ रहे हो? तो देखो चंद, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या होता है अगर जब बात करें जो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट, तो वो प्री प्रोसेसिंग वगैरह करना अलग बात है. सबसे इम्पोर्टेंट टास्क तो डिसीजन लेना, जो तुम्हारा ग्राफ आया उसको देख के. जैसे यहाँ पे हमने देखा ना इसको, सो वी आर एबल टू टेक द डिसीजन कि ओके 4 से ऊपर जाएंगे, 400 से ऊपर, सो वी कैन फाइंड 2 क्लस्टर, और 300 पाएंगे तो वी विल फाइंड 3 क्लस्टर. सो दिस डिसीजन ओनली यू कैन टेक यू इफ यू नो द उसका बैकग्राउंड में क्या इन्फॉर्मेशन थी. ठीक है, एक मिनट यार, बड़ा डेटा सेट है ना, ये टाइम लेगा. मैंने रन करा दिया इसको, देखो ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया. एक मिनट रुक जाओ, ये लैपटॉप मेरा बहुत सही नहीं है.
वो भी रन हो रहा है ये प्रोग्राम, थोड़ा टाइम लेगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, दो एक दो मिनट लेगा अभी आने में। तब तक कि ये बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो, तब तक ये टाइम ले रहा है। किसी को डाउट है कहीं पे भी इस पूरे क्लस्टरिंग के इस वाले पार्ट में, हेलरिकल क्लस्टरिंग में? रुक जाओ, एक से एक पूछना ना, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।